हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। ये देखिए, आज हम आपको वुडन पेंटिंग बनाना सिखाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हों और इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखिए, ये हमने सोडियम पाउडर लिया है। आप चाहो तो पीओपी भी ले सकते हो, बस फ़र्क इतना होता है कि पीओपी जल्दी सूख जाती है। ये मैंने इसमें थोड़ा फेविकोल मिलाया है और थोड़ा सा हम इसमें पानी मिलाकर इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, ये हम किसी भी पन्नी को ले लेंगे और इसकी मेहंदी वाली जो कीप होती है इस तरह की कीप बना लेंगे। अब इसके अंदर हम इस घोल को डाल देंगे। और एक्स्ट्रा घोल हम, ये मेरे पास देखिए एक्स्ट्रा वुड रखी हुई थी, टेबल की ख़राब हुई वुड थी ये, तो हमने ये यूज़ कर ली है। इसके ऊपर मैंने साइडों में सोडियम पाउडर लगा दिया है। अब हल्की सी हम फिंगर से इसको डिज़ाइनिंग देंगे। ये देखिएगा, अब कीप की हेल्प से हम थोड़ा डिज़ाइन और बनाएंगे। ये देखिए, अब हम इसे सूखने देंगे। अब ये सूख चुकी है तो हम इसका बेस कलर कर देंगे। हाँ, मैंने स्प्रे कलर लिया है, आप चाहो तो फैब्रिक कलर भी ले सकते हो। मुझे ब्राउन कलर ज़्यादा पसंद है बेस करने में, आपको जो कलर पसंद हो आप वो कलर ले सकते हो। अब साइड में मैंने फैब्रिक कलर लिया है ब्लैक, तो इनके बाउंड्री पर ब्लैक कलर हमने कर दिया है। अब ये रेड कलर हम फ्लावर के ऊपर कर देंगे। ये देखिएगा, अब हमने ग्रीन कलर लिया है, ये हम लीव्स के ऊपर कर देंगे। लीव्स की इससे हम ओनली बाउंड्री बनाएंगे। जब हम इसके अंदर फील करेंगे तो हल्का सा हम पानी का टच लगाकर फील करेंगे। ये देखिए, हल्का हल्का मैंने पानी का टच दिया है और इसे फील कर दिया है। अब हल्का सा ब्लैक कलर लेकर मैंने फ्लावर के बीच में कर दिया है। अब हमने ब्राउन कलर यूज़ किया। ये देखिए, हल्का सा अब मैं वाइट शेड इसमें दे दूँगी। अगर आपको पसंद है तो आप दे दीजिए, ना पसंद हो तो आप रहने दीजिएगा। बट वाइट कलर से जो है ये थोड़ा उभर के आता है, इसीलिए मैंने वाइट कलर इसमें कर दिया है। ये 3D ट्यूब अब हम यूज़ करेंगे। अब हम इसे सूखने देंगे। और साइड में अब मैंने वार्निश ली है, वार्निश मैंने कॉर्नर पर कर दी है ओनली ब्लैक कलर के ऊपर। और ये मेरे पास रखी है डस्ट गोल्डन और सिल्वर, हम फिंगर की हेल्प से वार्निश के ऊपर ही इसे लगा देंगे। ध्यान रहे, वार्निश का ब्रश कभी पानी से नहीं धुलता, वो आपको तारपीन के तेल या दूसरे तेल में धोना पड़ेगा। अब बची हुई जगह पर हम वार्निश कर देंगे अंदर की तरफ।
वार्निश का ये बेनिफिट होता है, इससे हमारी पेंटिंग में चमक आती है। तो आपको अगर हमारी ये पेंटिंग पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।